राजधानी दिल्ली में आज भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट है और राजधानी में आज आलूदगी के लेवल में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में आज का औसत AQI 398 तक पहुंच गया है और ये संगीन जुमरे में आता है और इसके बाद अगले दो दिन में हवा की क्वालिटी बेहद खराब जुमरे में रहेगी, इसीलिए आलूदगी से अभी राहत मिलने का इम्कान नहीं है। दिल्ली में आज का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का इम्कान है। कम से कम दर्ज हरारत 10 डिग्री के आसपास रहेगा। घने कोहरे को लेकर आज महकमे मौसमियात की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आज भी कोहरे की चादर हर तरफ देखने को मिल रही है हमें। जिस तरीके से आलूदगी भी बढ़ रही है अब दिल्ली NCR में, ये बात भी सामने आ रही है और आने वाले दिनों में ये हालात ऐसे ही बने रह सकते हैं, मौसम महकमे की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो राजधानी दिल्ली में आज भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट है। राजधानी में आज आलूदगी के लेवल में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में आज का औसत AQI 398 तक पहुंच गया है और ये संगीन जुमरे में आता है। इसके बाद अगले दो दिन भी हवा की क्वालिटी बेहद खराब जुमरे में रहेगी, इसलिए आलूदगी से अभी राहत मिलने का इम्कान नहीं है। दिल्ली में आज का ज्यादा से ज्यादातर दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का इम्कान है। कम से कम दर्ज हरारत 10 डिग्री के आसपास रहेगा। घने कोहरे को लेकर आज महकमे मौसमियात की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो कोहरा हर तरफ छाया हुआ है, लोगों को खासी दिक्कतें इस कोहरे की वजह से पेश आ रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुसीबत है वो आने जाने वाले लोगों को होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो कोहरा लगातार छाया हुआ है और दिल्ली NCR में कोहरे के चलते खासी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं और दर्ज हरारत भी 10 डिग्री के आसपास रहेगा ऐसा माना जा रहा है। घने कोहरे को लेकर आज महकमे मौसमियात की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो राजधानी दिल्ली में आज भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में आज आलूदगी के लेवल में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में आज का औसत AQI 398 तक पहुंच गया है, ये संगीन जुमरे में आता है और इसके बाद अगले दो दिन भी हवा की क्वालिटी बेहद खराब जुमरे में रहेगी, इसलिए आलूदगी से अभी राहत मिलने का इम्कान नहीं है। दिल्ली में आज का ज्यादा से ज्यादातर दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का इम्कान है। कम से कम दर्ज हरारत 10 डिग्री के आसपास रहेगा। घने कोहरे को लेकर आज महकमे मौसमियात की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आलूदगी का लेवल भी लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है, कुछ दिनों बाद एक बार फिर से ये लेवल हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे दिक्कतें लोगों को पेश आ सकती हैं, बीमारियां होने का खतरा भी ऐसे में बना रहता है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट को भी अब सतर्क होने का वक्त यहां पर आ गया है, क्योंकि आलूदगी एक बार फिर से बढ़ती जा रही है दिल्ली NCR में।